हुकूमत पंजाब के तर्जुमान हसन खावर का कहना है कि चीनी का बहरान पहले भी आया और उसको भी हल किया है। अपने जारी करदा बयान में इनका कहना है कि 3 दिन में 3.5 लाख जुर्माने, 18 FIR, 63 गोदामों को सील किया है। हसन खावर ने कहा है कि कुछ शुगर मिल्स ने रजाकाराना तौर पर चीनी हुकूमत को फराहम करने का कहा है। 21,000 के करीब चीनी के बैग 3 दिनों में कब्जे में लिए थे। इनका कहना था कि इस वक्त मार्केट में 1 लाख टन का स्टॉक पंजाब के पास मौजूद है, इस वक्त चीनी की कोई किल्लत नहीं। हसन खावर ने कहा है कि अपोजिशन अवाम के मसाइल पर सियासत न करे। 15 नवंबर में जनूबी पंजाब से क्रशिंग का आगाज कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि चीनी की कीमत बढ़ते हुए सबको नजर आती है, हुकूमत लोगों के साथ है। हसन खावर ने मजीद कहा है कि बार बार मसला तब होता है जब हुकूमत और माफिया एक पेज पर नहीं होते। बोल ब्रीफ्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बोल ब्रीफ्स के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।